नमस्कार, आपका स्वागत है reportexcology.com में और मैं हूं आपके साथ कुलदीप शर्मा। आज ऐसी खबर लेकर आए हैं जो मुझे भी बोलते वक्त मेरे गला रुक रहा है और अगर आप सुनोगे तो आपको भी हैरानी होगी। हनुमानगढ़ का एक छोटा सा कस्बा है जिसे गोलूवाला कहते हैं। गोलूवाला में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है जहां पर एक दुष्कर्म पीड़िता को जिंदा जला दिया जाता है। जी हां, सुनकर आपको हैरानी होगी। पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं के प्रति अत्याचार और दुष्कर्म और ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं भी राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो या कहीं अपने यूपी हो, कहीं पे भी जो अपराध का सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। अपराध किस तरीके से हावी है, किस तरीके से महिलाओं के साथ छेड़खानी, महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है और उसके बावजूद जब मामला दर्ज किया जाता है तो जमानत पे छूटने के बाद किस कदर उसी दुष्कर्म पीड़िता महिला को परेशान किया जाता है और उसे जिंदा जला दिया जाता है। जी हाँ, ये मामला जो है काफ़ी हैरान कर देने वाला है। इस मामले के बाद जो कुछ राजस्थान की सियासत में जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला है। राजस्थान की पूर्व सीएम तक को भी इस मामले पर बोलना पड़ा। उनका एक ट्वीट आया था, वसुंधरा राजे का एक ट्वीट है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें उन्होंने लिखा कि हनुमानगढ़ के गोलूवाला में दुष्कर्म के मामले में जमानत पर चल रहे एक बदमाश द्वारा पीड़िता को आग के हवाले कर देने की घटना बेहद निंदनीय है। आखिर कब तक कांग्रेस सरकार के कुशासन में हमारी बहन बेटियाँ हैवानों की गंदी नीयत का शिकार होती रहेगी। ऐसा ही एक ट्वीट यहाँ के स्थानीय विधायक, वो भी बीजेपी से है, धर्मेंद्र कुमार मोची, वो भी अपने ट्विटर अकाउंट से एक मीडिया की एक साथ में वो डालते हैं फोटो जो अखबार में छपी थी और उसी के साथ लिखते हैं कि गोलूवाला में दुष्कर्म के मामले में जमानत पर चल रहे एक बदमाश द्वारा पीड़िता को आग के हवाले कर देने की घटना बेहद निंदनीय है। उन्होंने अशोक गहलोत, राजस्थान के सीएम को टैग करते हुए कहा भी अशोक गहलोत जी, थोड़ी गौर कीजिए राजस्थान की जनता पर भी। और ऐसा ही एक ट्वीट ओम प्रकाश बढ़ाना ने, उन्होंने भी एक अखबार की कटिंग साथ में जोड़ी है और उसी के साथ ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों में राजस्थान रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जहाँ दुष्कर्म पीड़िता को गोलूवाला में जिंदा जला दिया गया और गहलोत सरकार महिला उत्पीड़न की घटनाएं रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। मैं आपको पूरा घटनाक्रम बता देता हूं। महिला जो थी दुष्कर्म पीड़िता, वो ब्यूटी पार्लर संचालिका थी जो अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी। बताया जाता है भी वो गोलूवाला में अपनी नानी के घर थी, तब दुष्कर्म जिस पे आरोप है, पीड़िता ने जो आरोप लगा रखे हैं, वो वहाँ पर आता है और उसके साथ बहस करता है, केस वापस लेने की जद्दोजहद की बात करता है और बताया जाता है उसके साथ एक महिला भी थी और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और उसके बाद जो है एक सुनियोजित योजना के तहत उसको जिंदा जला दिया जाता है। हालांकि पुलिस अभी तक इस मामले में मौन बैठी है, अभी तक इस मामले में कुछ भी कहने पर एग्री नहीं है, कहने पर कुछ भी बातें जो है पुलिस की तरफ से सामने नहीं आ रही। लेकिन जिस प्रकार से हिंदुस्तान में कभी आयशा, कभी लव जिहाद के नाम पर बीकानेर और कभी पूरे हिंदुस्तान में निर्भया जैसे मामले हो जाते हैं, लेकिन पुलिस जो है मौन धारण करे बैठी है। इस मामले में राजस्थान के सीएम ने अपने प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला को तुरंत एक्शन लेने को कहा और पीड़िता के घर जाने की बात कही। तो आज बीडी कल्ला, जिला कलेक्टर और जिला एसपी उनके घर पहुंचते हैं, पीड़िता के घर, और उन्हें 5 लाख का चेक यानी मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए पीड़िता के परिवार को दिए जाते हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है भी इस राज्य में या इस देश में महिलाओं का उत्पीड़न कब खत्म होगा, महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म जैसी घटनाएं बढ़ रही है, आखिर उन पर लगाम कब लगाया जाएगा। काफ़ी ऐसे सवाल है जो इस पूरी घटनाक्रम ने जोड़ दिए हैं। इस पूरी घटनाक्रम ने एक बार फिर से पुलिस तंत्र की उन तमाम योजनाओं को विफल कर दिया है जो दावे करती है कि उन्होंने काफ़ी महिलाओं के लिए आवाज़
या उससे भी काफ़ी ऐसी मुहिम चलाई है जो महिलाओं को जागृत करती है, महिलाओं को महिलाओं के अत्याचारों को कम करने की बातें कहती है। ज़िले भर में हर ज़िले में महिला जो है थाने होते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या कुछ होता है ये शायद बारीकी से कोई देखना नहीं चाहता और ना ही कोई देखना चाहेगा। इस पूरी घटनाक्रम ने एक बार फिर से पूरे समाज को शर्मसार कर दिया है। हम लगातार आपको इस पे अपडेट दिखाते रहेंगे। हम नहीं चाहते भी एक और निर्भया जो है, जिस प्रकार से निर्भया मामला हुआ था यूपी में, आए रोज होता रहता है, राजस्थान में भी कभी लव जिहाद तो कभी इस प्रकार के मामले, दुष्कर्म के बाद सरेआम या यूँ कहा जा सकता है तानाशाही के जरिए, या यूँ कहा जा सकता है दबंगई के जरिए किस प्रकार से एक महिला को जिंदा जला दिया जाता है। काफ़ी हैरान कर देने वाला मामला है। हम लगातार आपके लिए ये अपडेट लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर आप हमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर दें। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। उससे पहले हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। क्या लड़की को न्याय मिलना चाहिए और कितना जल्दी मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।